सील्ड बाय असिस्टेंट कमिश्नर सब डिवीजन नॉर्थ नाजिमाबाद डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कराची, डिप्टी कलेक्टर सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कराची। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फ़हीम सिद्दीकी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, हम मौजूद हैं इस वक्त सुबह सुबह लंडी कोतल चौरंगी पे। सामने लंडी कोतल चौरंगी है और लोग अपने ऑफिस जाने में मसरूफ़ हैं, अपने अपने कारोबार की तरफ रवा दवा हैं। सामने है इस्लाउद्दीन हॉकी स्टेडियम और यहाँ पे एक बहुत ही अहम कारनामा अंजाम दिया गया है, वो हम दिखाने बेसिकली आए हैं। इतला मिली कि यहाँ पर ये हो गया है, तो हमने कहा क्यों ना आपको उसकी ताज़ा तरीन अपडेट दें और दिखाएं भी साथ में यहाँ क्या सूरत हाल है। ज़रा ट्रैफिक थोड़ी सी स्लो हो जाए तो हम रोड को क्रॉस करें। तो चलें भाई दूसरी तरफ। ये है लंडी कोतल की दुकानें, ये ताहिर विला की तरफ से ट्रैफिक आ रहा है सारा। ये कोयले का ट्रक और यहाँ पे ये सब ठेले खड़े हुए हैं। यहाँ क्या हो गया है ये दिखाते हैं आपको। ये देखो भाई, ये लगी हुई है सील, सील्ड बाय असिस्टेंट कमिश्नर सब डिवीजन नॉर्थ नाजिमाबाद डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कराची, डिप्टी कलेक्टर सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कराची। और ये सब दुकानें बंद पड़ी हुई हैं, काफ़ी दुकानों पे सील लगा दी गई है। ये देखें एक और सील यहाँ पे लगी हुई है, ये एलपीजी सिलेंडर है। अच्छा, तो एलपीजी सिलेंडर की दुकानें बंद की जा रही हैं। जानते हैं भाई से क्या मसला है। अस्सलाम वालेकुम भाई जान, कैसे हैं आप, खैरियत से? क्या मसला है, दुकानें क्यों बंद हैं? गैस की वजह से। गैस की वजह से? ये एलपीजी सिलेंडर की दुकान है, तो कब से बंद है ये? ये आज दूसरा दिन है। आज दूसरा दिन है, तो क्या कहा गया है? वो नहीं आया। क्या मतलब? कुछ एक्शन नहीं आया। एक्शन नहीं है, सिर्फ सील कर दी गई है। कितनी दुकानें सील हुई हैं? ये सारी हुई है, तकरीबन जितनी भी है एलपीजी उसको ने। मतलब 8-10 कितनी दुकानें? तकरीबन ये 10-12 दुकानें हैं। 12 के करीब दुकानें बंद हो गई, दो दिन हो गए। चलो ठीक है, सिर्फ एलपीजी की दुकानें सील की गई हैं। ठीक है, शुक्रिया भाई। सुन लिया भाई आपने, एलपीजी की दुकानें सील कर दी गई हैं लंडी कोतल चौरंगी पे। यानी गैस तो पहले ही नहीं थी। कौन बताएंगे? अच्छा ठीक है, शुक्रिया। ये सब एलपीजी सिलेंडर की दुकानें हैं जो सील कर दी गई हैं और शहर भर में ये कार्रवाई चल रही है। अच्छा ठीक है, शुक्रिया। तो सिलेंडर की दुकानें जो एलपीजी सिलेंडर्स की हैं उनको सील किया गया है लंडी कोतल चौरंगी पे। अहम खबर ये थी जो हमने आपसे शेयर की। शहर भर में एलपीजी सिलेंडर्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही है, जिसकी वजह से ये सब जमान एलपीजी सिलेंडर कराची हार्डवेयर पे भी सिलेंडर होंगे, कराची एलपीजी ये सब बंद हो गई हैं। ये भी बंद पड़ी हुई है ज़ुबैर एलपीजी और ये होटल खुला हुआ है अलबत्ता। अक्रॉस द रोड जो दुकान है वो तो खुली हुई है, वहाँ मसला नहीं है, लेकिन जो भी दुकान एलपीजी बेच रहा है उसे बंद कर दिया गया है। और ये रास्ता जा रहा है ताहिर विला की तरफ और ये है गुजर नाला मॉडल नाला और ये है सामने कौसिया मस्जिद। बड़े पैमाने पे एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव यहाँ पर हुई थी। तो ये थी एक छोटी सी अपडेट। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन को दबाएं। ये रास्ता जा रहा है ताहिर विला और उसके आगे आयशा मंजिल की तरफ। मुझे इजाज़त दें, अस्सलामुअलैकुम, फी अमानिल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद।